हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम छोटन मुखर्जी और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आप लोग सामने एक और नए वीडियो लेके। तो आज के वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर का एक बहुत ही मज़ेदार अपडेट्स आया है, जहाँ पे 5.0 के अपडेट दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, काइन मास्टर का जो होम स्किन वो आप देख सकते हैं एकदम से चेंज कर दिया गया है। और गाइस, इस होम स्किन में 3 रिकमेंडेड ऐप भी शामिल है। तो ये 3 एप्लीकेशन का नाम आप देख सकते हैं, पहला है बिटसिंग, दूसरा है स्पीड रैम और तीसरा है वीडियो स्टेबलाइजर। तो ये 3 एप्लीकेशन का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ एंड वीडियो फ्रेंड्स एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नया नया अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, पहला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है बिटसिंग। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के मदद से क्या है कि जैसे आप अपना फोटोज़ वगैरह उसका ट्रांजिशन वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका जो म्यूज़िक है उसमें अगर बीट्स है तो उस बीट्स के साथ साथ ये आपका फोटो का ट्रांजिशन क्रिएट करता है। तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है बिटसिंग, जिसके मदद से आप कोई भी फोटो ट्रांजेक्शन वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको गैलरी एक्सेस करने के लिए बोलेगा, तो आप उसको एक्सेस कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पे प्लस वाले बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आपका गैलरी का सारा फोटो यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको जो भी फोटो का ट्रांजेक्शन वीडियो बनाना है, सिंपली उस फोटो को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले से ही क्रिएटेड रहता है आपका ट्रांजेक्शन, ऑटो ट्रांजेक्शन। एंड यहाँ पे उसके साथ म्यूज़िक भी आपका सेट रहता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कस्टम म्यूज़िक ऐड करना है अपने फोटो ट्रांजेक्शन वीडियो के साथ, तो सिंपली यहाँ पे प्लस वाला बटन जो देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सारा लाइब्रेरी का मतलब ऑफलाइन सॉन्ग जो भी आप रखेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, वो जो सॉन्ग है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा एंड उसके बीट के साथ साथ आपका फोटो ट्रांजेक्शन वीडियो भी क्रिएट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे टिकटॉक में एक्सपोर्ट करने के लिए दिया है, ये जो इंडिया में बैन है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है काइन मास्टर। तो काइन मास्टर में क्या है कि आपका जो फोटो ट्रांजेक्शन वीडियो जो है यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट होने के बाद वो काइन मास्टर में डायरेक्ट थ्रो हो जाएगा। उसके बाद आप काइन मास्टर में उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप सेव कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर यहाँ से डायरेक्ट सेव करना है अपना वीडियो को, तो सिंपली यहाँ पे सेव वाले बटन में आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको हाई में चाहिए, लो में, मीडियम में। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो में जो साउंड है उसको मैं यहाँ पे बंद करके रखा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आने का चांसेस इसमें रहता है। तो अभी फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा म्यूजिक उसका सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, स्पीड रैम। तो इस एप्लीकेशन के मदद से क्या है कि जैसे आप अपना वीडियो को है उसको स्पीड स्लो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे स्प्लिट स्लो वीडियो बनाते समय आपका वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा भी नहीं घटता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करके देता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये भी एप्लीकेशन। तो आप भी यूज़ करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स, दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका नाम है स्पीड रैम। तो इस एप्लीकेशन के मदद से आप कोई भी वीडियो को स्लो या स्पीड मोशन में क्रिएट कर सकते हैं। तो सारा चीज़ जो इसका इंटरफेस है वो सब बिटसिंग से यहाँ पे मिलता है। एंड फ्रेंड्स, एक्सेस वगैरह सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड आपके गैलरी में कोई भी वीडियो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना वीडियो को जितना चाहे ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड वाले बटन में क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, पहले से कुछ स्पीड स्लो यहाँ पे क्रिएटेड रहता है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। या अगर आपको कस्टमाइज़ अगर सेट करना है तो सिंपली यहाँ पे आप कस्टम वाले बटन में आके
यहाँ पे आप इसको ये जो डॉट देख रहे हैं ये अगर आप ऊपर की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो आपका वीडियो जो है वो फास्टर होगा, एंड ये डॉट को अगर आप नीचे तरफ सेलेक्ट करेंगे तो आपका वीडियो वो स्लो हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कर्सर में कहीं पे भी आप कर्सर रख के देख सकते हैं यहीं पे कि आपका वीडियो स्लो स्पीड हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पे स्लो स्पीड हो रहा है कि नहीं। वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं एंड फ्रेंड्स वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते समय अगर वीडियो तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये क्रिएट होता है। एंड इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपने गैलरी में तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको काइनमास्टर में इसको एडिट करना है तो उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, और अगर डायरेक्ट गैलरी में सेव करना है तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे रेजोल्यूशन अगर आप रखना चाहते हैं लो मीडियम हाई तो वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन में क्लिक कर देना है, तो कुछ देर में ये आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा, फिर आपका वीडियो यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है वीडियो स्टेबलाइज। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के मदद से क्या है, जैसे आप अपना कोई भी वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं एंड फ्रेंड्स वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते समय अगर वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा शेकिंग आ जाता है या कुछ होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आपका जो वीडियो है वो इस एप्लीकेशन के मदद से वीडियो स्टेबलाइज कर सकते हैं। मतलब आपका जो शेकिंग जो वीडियो में हो गया था फ्रेंड्स वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड जिसके वजह से आपका जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है वीडियो स्टेबलाइज़र। तो इस एप्लीकेशन के मदद से आप कोई भी शेकिंग वीडियो, फ्रेंड्स अगर आपका वीडियो क्रिएट होते समय बहुत ज़्यादा हिलता है या कुछ होता है तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसका जो हिलना वो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसको आप इस एप्लीकेशन के मदद से कर सकते हैं। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आप जब ओपन करेंगे तो वैसे ही बीटसिंग के तरह ये ओपन होता है। एंड फ्रेंड्स सारा एक्सेस करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन में क्लिक कर देना है, एंड जिस वीडियो का आपको वीडियो स्टेबलाइज करना है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे शेकिंग वेकिंग हो गया इस वीडियो में। एंड फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे थोड़ी देर एनालाइज होगा, उसके बाद आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो में स्टेबलाइज हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी कि वीडियो यहाँ पे ये स्टेबलाइज कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप हमको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मुझे तो नहीं दिखा कहीं पे भी स्टेबलाइज करते हुए। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पे वैसे ही सेव वाले बटन में क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद सिंपली सब चीज़ सेम है जैसे आपका बीटसिंग एंड स्पीड रैम में था, लो हाई मीडियम में आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपके गैलरी में वो वीडियो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आपको ये तीनों एप्लीकेशन में से कौन सा सबसे अच्छा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।